विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की अधिसूचना के अनुसार भारत ने टैरिफ दर कोटा के तहत अमेरिका को कच्ची शक्कर के निर्यात की वैधता 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले टैरिफ रेट कोटे के तहत शक्कर का निर्यात सितंबर में खत्म होना था। टैरिफ दर कोटा अनिवार्य रूप से कम शुल्क पर निर्यात के लिए आवंटित कोटा है। एक बार सीमा समाप्त हो जाने के बाद अतिरिक्त शिपमेंट पर ज्यादा टैरिफ लागू होता है। DGFT ने मई में कहा था कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान कोटा प्रणाली के तहत अमेरिका को कुल शक्कर निर्यात 10,475 टन होगा। मई में केंद्र सरकार ने शक्कर सीजन 2021-22 के दौरान घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए 1 जून 2022 से 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा शक्कर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। DGFT द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो शक्कर के निर्यात की विशिष्ट अनुमति के साथ अनुमति दी जानी थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि यह निर्णय 2020-21 में शक्कर के रिकॉर्ड निर्यात के संदर्भ में लिया गया था। शक्कर सीजन 2020-21 में 60 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 70 लाख मीट्रिक टन शक्कर का निर्यात किया गया है। ऐसे में अब फिलहाल कच्ची शक्कर के निर्यात की वैधता 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।